कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुका है, वो स्ट्राइक लगभग सितंबर 30 तारीख को हटेगा। एवरीबडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस ये कोई ब्लॉग नहीं है, बिकॉज यार मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को बोलते हुए बहुत दुख लग रहा है। हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, वीडियो पे हमारे एक वीडियो पे यादव पुरुष की जो क्लिक थी, वो कपड़ा तेरे बाप वाला मैंने जो मतलब बनाया था उसको, जो मैं थिएटर से शूट करके जो थोड़ा थोड़ा क्लिक में अपने से मतलब ऐड करके डाला था, उस वीडियो को हमारे वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है और कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है। क्लेम भी नहीं है, स्ट्राइक दे दिया है। तो मुझे पता नहीं था, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं, मैं सोचा नहीं, यूट्यूब में कुछ देखा नहीं, मतलब कोई जानकारी देखा नहीं, फटाफट से मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। मेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके चैनल पे अगर कोई यूट्यूबर होगा तो चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, मतलब वीडियो पे, चैनल पे नहीं, तो डिलीट मत करना, उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना, मैंने किया, मेरी गलती है। तो अगले 3 महीने तक वो स्ट्राइक मेरे चैनल पर रहेगी। तो क्या ही बोले, बहुत दुख की बात है हमारे लिए। तो फाइनली गाइस हमारे ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है हमारे वीडियो के ऊपर, आदि पुरुष का वो डायलॉग था कपड़ा तेरे बाप वाला। तो मैं ब्लॉग बरसात की वजह से ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ गाइस, कंटिन्यू 3-4 दिन से बारिश शूट नहीं करता ना, तो मतलब जल्दी से तबीयत एकदम ख़राब होने लगता है। तो गाइस ये सीन चल रहा है मेरे साथ, यही प्रॉब्लम होती है हम नए बिगिनर्स यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूबर्स नहीं मतलब नए जो यूट्यूब बना मतलब वीडियोस बना रहे हैं तो कुछ भी डाल देते हैं। तो ये गलती थी बहुत बड़ी मेरी, और मेरे चैनल को इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, मतलब इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं है मेरे चैनल पे, और प्यार तो आप लोग दिखाई नहीं रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, और ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, और ज़्यादा मतलब माइंड थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्या ही बोलूं। अभी तो चैनल पे स्ट्राइक नहीं आया, मतलब एक वीडियो पे स्ट्राइक आया था। तो जो नए लोग हैं, मतलब जो तो पुराने हो तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे जैसे थर्ड क्लास ग्रेड वाले लोग यूट्यूबर के बारे में बता रहा हूँ, जो अभी अभी मतलब नया नया स्टार्ट किया, जो 3-4 महीने पहले, जो यूट्यूब के बारे में उतना अच्छे से कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं अभी भी नहीं जानता हूँ अच्छे से, खाली वीडियोज़ बना के डालना है इतना ही मेरे को पता है, उतना ज़्यादा मैं ये सब में मतलब जान मान नहीं करता हूँ। तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, वीडियो पे आया है आदि पुरुष का जो डायलॉग था कपड़ा तेरे बाप वाला, तो उसको यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, वो किसी के चैनल पर शो नहीं करता, मेरे चैनल पर ही शो करता। मैंने क्या किया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया बिना एनालाइज किए, बिना जाने, बिना यूट्यूब में कुछ और जानकारी देके। तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब वो जानकारी नहीं था, मेरे पे मेल आया था कि आपके चैनल के एक वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुका है, वो स्ट्राइक लगभग सितंबर 30 तारीख को हटेगा। क्या ही बोले, बहुत दुख की बात है हमारे लिए, लेकिन हम व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ेंगे, अपन डालते रहेंगे मेरी जान, चैनल बंद हो जाए तो एक और नया चैनल बनाएंगे, लेकिन वीडियोस बनाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अभी ना आप लोग से मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मात्र 300 लोगों की, जो 50-60 लाइक भी मिलता है तो भाई, या व्यूज़ भी आते हैं तो दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या ही करें, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं। मतलब अभी शुरुआत वीडियो में अच्छे 200-250 व्यूज़ आ रहे थे, अभी क्या हो गया पता नहीं, एकदम डाउन हो गया। तो व्लॉग ही मतलब अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, शायद कंटेंट नहीं जम रहा है, या कंटेंट अच्छे से नहीं बन पा रहा होगा, मुझे पता है। मैं इसमें कोशिश करूँगा कंटिन्यू, और अच्छे से मतलब अपने वीडियोज़ में काम करूँगा। अभी अपन क्या बिगनर है गाइस, अभी ना नए लोग कुछ भी उठपटांग डाल देते हैं, अभी यूट्यूब के बारे में उतना अच्छा जानकारी नहीं है मेरे को, फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, उठपटांग कुछ भी जो भी है, लेकिन मेरा कंटेंट रहता है, मतलब अदर नहीं रहता है, लेकिन गाना डालना, ये डालना, वो डालना, ये मतलब सोच समझ के डालना, यूट्यूब में ये रूल है, नियम है, यूट्यूब का गाइडलाइन है, जिसको मैंने तोड़ दिया, इसलिए मेरे चैनल पे एक यूट्यूब नहीं मतलब यूट्यूब तो मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है, चैनल को देगा, मतलब एक जो वही आदि पुरुष का कोई मतलब क्या बोलते हैं, जो बनाया वाला कुछ होगा शायद, वो उसके मेल से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, तो मैंने उसे सॉरी मैसेज कर दिया है। आइंदा से अपन देखते हैं कोई यूट्यूब में उठपटांग वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अपन ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं मौसम थोड़ा सा क्लियर हो जाए भाई, क्योंकि बरसात में मज़ा नहीं आता है, हवा चलते रहता है, और आपको तो पता ही है कैमरा क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कितनी गंदी है। तो बने रहना गाइस, और प्यार सपोर्ट करते रहना। एक स्ट्राइक मिला है, अभी 2 बचे हैं कि तोड़ मेहनत करने वाले अपन, जो हो जाए, व्यू आए ना आए, अपना कह ना मतलब अपना बोलना है कि आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बाय गाइस।